सागर सिंह है। राम सागर सिंह। हाँ राम सागर। अच्छा रहने वाले कहाँ के हैं सर आप? ये रीवा जिला में एक गांव है तैथर तहसील में पनवार। अच्छा मतलब तैथर तहसील के आप रहने वाले, रीवा जिला के अंतर्गत आती है सर। ठीक है राइट सर। और आपको समस्या क्या थी सर, मतलब क्या समस्या थी आपको? सर हमें क्या हुआ, दिसंबर 15 में पराई एकदम पूरा लठ जैसे हो गया था। अच्छा सर। तो हमारे मामा जी फिर टांग के सीढ़ी के ऊपर उठा के ऐसे अच्छा चार सर। पांच लोग मिलके अच्छा गाड़ी का फाटक खोल के हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन मैं रीवा में एडमिट था। एमपी रीवा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप? हाँ संजय गांधी। संजय गांधी में आप एडमिट थे सर। फिर यहाँ से वो करा के रिलीफ जी सर। इलाहाबाद ले गए कमला नेहरू। अच्छा कमला रीवा से आपको संजय गांधी से रेफर करा के कमला नेहरू हॉस्पिटल आपको इलाहाबाद इलाहाबाद प्रयागराज में आपको ले जाया गया सर। हाँ, फिर वहाँ आपका क्या हुआ सर? 11 दिन होश नहीं आया था। ये 11 दिन आपको मतलब आप बेड में थे? बेड में थे, कौन आया कौन चला गया मुझे कुछ नहीं। आप आदमी को नहीं पहचानते थे सर? कुछ नहीं। अच्छा सर फिर क्या हुआ आपके साथ? वहाँ फिर हमें होश आया जी सर। तो डॉक्टर छुट्टी दे दिए। अच्छा सर। फिर मैं वहाँ से आया तो गोली दवा खाया जो पर उठ बैठ नहीं पाता था। मतलब अपने से आप दवा खा भी रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे और बैठ भी नहीं पा रहे थे आपको, मतलब उठाने के लिए कोई घर के लोग रहते थे आपके साथ? अच्छा सर उठा बैठा जी। फिर उसके बाद मैं नागपुर गया, 2-2.5 साल गया। मतलब नागपुर मतलब इलाहाबाद से भी आप करके आप महाराष्ट्र में नागपुर दवा के लिए गए सर? बोकार्ड हॉस्पिटल में गए। कौन से हॉस्पिटल सर? बोकार्ड। बोकार्ड हॉस्पिटल वहाँ केतन चतुर्वेदी हैं। अच्छा डॉक्टर केतन चतुर्वेदी सर थे। हाँ ट्रीटमेंट लिए 2.5 साल कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा फिर मैं परेशान हो गया हमारे भैया। अच्छा कितना इसमें सर आप रीवा संजय गांधी से आप इलाहाबाद प्रयागराज गए, इसके बाद आप नागपुर गए, आपको टोटल कितना पैसे एक्सपेंस हुआ होगा सर आपके पैरालिसिस में इसमें? ये 5 साल में सर 15 से 20 लाख के लमसम में खर्चा हमें किए। नहीं मतलब करेक्ट, मतलब आप करेक्ट अमाउंट बताइए सर, कितना आपने अपने अकाउंट से कितना दिया, कितना आपने मतलब बनाया था, कितना आपका एक्सपेंस हुआ, इतना दवा में आप दवा करवाए हैं तो सर? 15 लाख। 15 लाख रुपए लगा सर। अच्छा इसके बाद सर आपको आराम मिल रहा था उस दवा से कि नहीं मिल रहा था सर? क्या कैसे लग रहा था? दवा में कोई आराम नहीं था, कुछ भी बिल्कुल नहीं मिला। आपने 15 लाख का दवा कराया सर, आपको आराम मिले नहीं? फिर धीरे धीरे बैठना चालू किए थे। अच्छा सर। फिर एक्सरसाइज करवाए थे डॉक्टर सोसर सिंह से जी। फिर वो परेशान होके बोले कि अब आपको जो ठीक होना है ठीक हो गए हैं जी सर, तब आप फालतू पैसा न खराब कर दिए। अच्छा डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि मतलब आप पैसा फालतू में ना व्यर्थ करिए, आप इतना जितना है उतना ही रहेंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने? अच्छा सर। फिर हमारे भाई साहब आए फौज से। अच्छा कहाँ थे भैया साहब? कहाँ थे? आर्मी में सर्विस करते हैं? अच्छा वाटर सिक्योरिटी फोर्स में सर करते हैं सर्विस। हाँ उन्होंने क्या किया? वो आए देखे तो बोले कि आयुर्वेदिक दवा दीजिए आप कुछ दिन। अच्छा तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा तो हमने उन्हीं से कहा कि मंगवा दीजिए जी सर जिससे हो जैसे। तो आयुर्वेदिक दवा कौन सी कंपनी की थी सर आपकी? एसलीपीएस विलनेस की खा रहे थे, किसकी खा रहे थे? हाँ ऐसी। अच्छा एसलीपीएस विलनेस की। हाँ। अच्छा सर तो फिर क्या कितने दिन आपने खाया सर, कौन कौन सी दवा आपने खाया सर? कार्डियो डॉग? हाँ सर कार्डियो नहीं। नोनी एक थी सर जी सर, वो फल जूस वूस की थी। अच्छा अच्छा नोनी हो गया, और क्या था सर? थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट और थोड़ा था सर। हाँ और पंचतुलसी भी दिया था, तुलसी पानी पीने के लिए। अच्छा मतलब वो आर्मी वाले जो आपके भैया थे वाटर सिक्योरिटी फोर्स वाले, उन्होंने आपको एडवाइस दिया था कि सर आप ये लीजिए, तो कितने दिन आपने उसको रेगुलेटरी में कैसे खाया सर, उसको कैसा खाया आपने? सुबह शाम जी सर, और दोपहर में। अच्छा सर। खाना खाने के 40 मिनट बाद से चालू करता था जी सर, एक दवा से दूसरी दवा की गैप 40 मिनट की होती। अच्छा 40 मिनट उसको डिस्टेंस देते थे आप एक दवा से दूसरी दवा को? दवा को कैसे खाते थे सर, मतलब गर्म पानी से? अच्छा गर्म पानी से, हॉट वाटर से। हाँ अच्छा सर, माने जितना पिया जा सके। अच्छा सर। लिए एक हफ्ते में हम साइकिल चलाने लगे सर, और अपने से पैंट वेंट जूता वूता सब बांध लेते हैं, पहन लेते हैं। क्या इससे पहले नहीं बांध पाते थे सर आप? हाथ हो ऐसे ऐसे कपड़ा रहता था सर। अच्छा आज के डेट में क्या है सर? आज के डेट में सर यही थोड़ा उंगली कपती है बीच वाली को। अच्छा ये मध्यमा ये वाली बीच वाली आपकी उंगली? ये नहीं कपती, ये और ये सर। अच्छा कपती थी ये अब कपती है बहुत बारीकी से देखने में। अच्छा अच्छा मतलब पहले औट्ठा ऐसे रहता था, हटते नहीं, ताली बजाते नहीं बजता था। अच्छा अब बनने लगा सर? अब सर बनने लगा, पहले क्या होता ये ऐसे रहता था जी सर, ये ऐसे कपता था। अच्छा मतलब आपको आराम लग रहा है, आपको आपको क्या लग रहा है कि आराम हुआ इस दवा से खाने से? लग रहा है कि हम
100 के लगभग हो गए हैं अच्छा आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कि हम अब ठीक हो गए हैं, अपना स्वयं सेल्फ डिपेंड हो गए काम करने के लिए। अच्छा अपना काम आप खुद कर सकते हैं, आप कपड़ा पहन ले, नहा धो लिए, तेल और लगा लिए, बढ़िया क्रीम पाउडर जो भी। अच्छा अब सब कर अब सेविंग वेविंग कर लेते हैं। अच्छा पहले इसके पहले नहीं करते बनता था आपसे सेविंग वगैरह? सर हाथ हो कटता था ना। अच्छा नहीं होता था। अच्छा सर अब सर ठीक हो गए, भैया हमारे बहुत अच्छे से दवा करा रहे। अच्छा तो सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे हमारे भारत देश में जो आज ऐसे परेशान लोग हैं, तो सर मैं आपसे आशा करता हूँ कि जरूर आप जरूर लोगों को बताएं कि भैया मैं ऐसी जगह से इस एसलीपीएस वेलनेस संस्था की जो प्रोडक्ट थे इसके आयुर्वेद के, मैंने इनके रस को यूज किया और काफी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा सर, है ना सर। अब आप गिलास उठा सकते हैं क्या आज के डेट में? सर सर खेव आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं होती गिलास गिलास उठाने में। ओके वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, और कोई दिक्कत नहीं होती सर। अच्छा चल फिर लेता हूँ पैदल काफी सर। अच्छा इससे पहले नहीं चल पाते थे आप? गिर जाते थे, मतलब सहारा लेना पड़ता था आपको सर किसी का? अभी सहारा लेने की जरूरत है? छड़ी उड़ी उधर। अच्छा ऐसा था पहले, अब लेने की जरूरत नहीं है सर। चलिए सर बहुत बढ़िया सर, है ना।